ankles. अरे अंकल, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैंने बाहर पोस्टिंग ले ली है। पोस्टिंग यानी तबादला? लेकिन अचानक? और क्या दीपा और आंटी भी? नहीं, तुम्हारी आंटी नहीं जा रही है, सिर्फ दीपा मेरे साथ जा रही है। फ्लाइट का समय हो रहा है, दीपा अंदर है, जाओ उसे मिल लो। जाओ जाओ जाओ। ओके अंकल। मम्मी, मम्मी, तुम्हें पापा के स्टेटस और नौकरी का जरा भी ख्याल नहीं? तुम बस यूं ही तटपूंजिया नौकरी करती रहो। सामान हमने बेच दिया है, और हाँ, मकान किराए का है। हो सके तो अपना इंतजाम खुद कर लेना, डैडी ने कहा है। हाय दीपा। ओ हाय अंकुश, डैडी ने तबादला ले लिया है। लेकिन तुमने तो मुझे पहले कभी नहीं बताया कि अंकल तबादला ले रहे हैं। डैडी का कहना है कि कोई भी बात अगर पहले बता दो तो लोगों की हाय लग जाती है। खैर छोड़ो, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं चलोगे? चलो, डैडी बुला रहे हैं। दीपा, तुम जा रही हो, तुम्हें हम लोगों की याद नहीं आएगी? बदली की नौकरी में ऐसा ही होता है। डैडी के संगी साथी भी बदली के समय पिछली बातों से कोई मुंह नहीं रखते। और अपनी माँ से भी नहीं? माँ को किसने छोड़ा है, और वैसे भी उनको हमसे ज्यादा उनकी नौकरी प्यारी है। देखो अंकुश, ये प्यार व्यार में मैं विश्वास नहीं करती। आज के जमाने में सेंटिमेंटल लोग अक्सर रोया ही करते हैं। मुझे छोड़ने नहीं चलोगे?
नमस्ते आंटी। आओ बेटा, दीपा अपने कमरे में है। एक्चुअली मैथ्स में थोड़ी कमजोर है और मुझसे पढ़ना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, कहा था दीपा को मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू, गो इनसाइड। हाय दीपा। हाय अंकल। क्या कर रही हो? बोर हो रही हूँ। कब बस ऐसा प्रॉब्लम है कि सॉल्व ही नहीं होता। देखो तुम्हारे एलजेब्रा का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता। लो पेन दो। ले लो। अरे भी पेन दो ना। ले लो। दीपा कभी तो सीरियस हो जाया करो। निकाल लो। दीपा प्लीज पेन दो। कहा ना निकाल लो। क्या चाहिए बेटा, मैं निकाल दूं? कुछ नहीं माँ, मैं तो ये कह रही थी कि ड्रॉअर से किताब निकाल लो। हाँ आंटी यही कह रही थी। मरवाओगे एक दिन। क्यों, ऐसी हरकतें करोगे तो यही होगा। अच्छा, this is x raised to the power of 2 plus y raised to the power of 2 and दीपा, तुम्हारे घर में इतना इंपोर्टेड सामान लेकर कौन आता है? वो मेरी एक लिली आंटी है ना। हाँ? एरोस्टेस है, वो ही लाती है। हाँ भाई, क्या बात है, लिली आंटी। और ये पढ़ाई की मेज पे ये माशाल्लाह वेट 69 की बोतल रखना जरूरी है क्या? ये स्कॉच की बोतल है, इसे वेट 69 कहते हैं। मुझे भी मालूम है, तुम नहीं समझोगे। अरे मुझे समझना भी नहीं है। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बात करती है। दिस इज देन अगेन। हाय डार्लिंग। कैसे हैं डैडी? मैं ठीक हूँ। हाय अंकुश। हेलो अंकुश, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आज मिसेस शर्मा के यहाँ डिनर पे जाना था, भूल गए क्या जो इतनी देर लगा दी? देखो दीपा देखो, इस औरत को कभी अकल नहीं आएगी। मैं दिन भर का थकहारा चला रहा हूं और इसने घर में कदम रखते ही जवाब तलबी शुरू कर दी। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया, आप ही ने तो सुबह कहा था कि अंकुश, मेरी माँ भी बड़ी अजीब औरत है। देखा ना डैडी नाराज होके चले गए। मैं जाने क्यों लीली आंटी को देखकर माँ के मन में जलन होने लगती है, और आज उन्हीं की वजह से डैडी को प्रमोशन मिला है। सम्स करते हैं। हाँ। गाड़ी से नहीं, लड़की आई है लगता है। हाय जानम। ओह, तो तुम नहीं तो तुम्हारे ये फटीचर साथी सही। आइंदा कभी मुझे छेड़ने की कोशिश की ना तो नानी याद दिला दूंगी। मेरा नाम वैसे दीपा है। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर यू ब्लडी फूल्स। कौन है ये? ये मोहतरमा नहीं है कॉलेज में। बाप रे बाप, पहले दिन से ही प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। बेचारे प्रसादी लाल को ही प्रसाद मिला, यथा नाम तथा दान। तुम प्रसादी लाल से बातें मत करना, सामने खड़ी है, अगर देख लेगी तो हम लोगों से भी मिलना जुलना बंद कर देगी। विनीता, एक काम कर, तू जाकर उससे बातें कर। अच्छा। हाय दीपा, वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अभी तुमने प्रसादी लाल को प्रसाद दिया ना, उसी से सारे कॉलेज को पता चल गया कि तुम्हारा नाम दीपा है। ओ, तो जिन महाशय जी को मैंने गर्मा गर्म थप्पड़ मारा उनका नाम प्रसादी लाल है? वैसे अगर उससे नाम पूछो तो वो अपना नाम प्रसादी लाल ही बताएगा,
क्योंकि उसकी जीप की डिक्शनरी से उसका रश शब्द भी गायब है। बड़ी मजाकिया हो यार तुम। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिस विनीता है। बड़ा प्यारा नाम है। चलो आज से हम दोनों पक्के दोस्त हुए। ओके ओके चलो। बैठो, ये देखो तुम्हारे अंकल ने तलाक का नोटिस भेजा है। तलाक का नोटिस? आश्चर्य की बात नहीं है अंकुश, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। दीपा के पैदा होने के बाद ही मुझे उनकी हरकतों का पता लग गया था, इसीलिए मैंने टीचिंग का पेशा अपना लिया था। बच्चों को पढ़ाने और दीपा के पालने में मैं अपना मन लगाने लगी, लेकिन अब मुझे दीपा की फिक्र है, क्योंकि वो भी अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रभावित है। आंटी, अगर आप कहें तो मैं उनसे जाके मिलूं। नहीं बेटा नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है उन्होंने लीली से शादी करने का पक्का इरादा कर लिया है। लेकिन मैंने तो सुना था कि लीली शादीशुदा है। हाँ, लेकिन अब तलाकशुदा है। अंकुश, बेटा शायद तुम्हें पता नहीं, उस औरत ने मेरा घर बर्बाद करने के लिए पूरी प्लानिंग से काम लिया। पहले उसने तुम्हारे अंकल को फंसाया, फिर दीपा का मन भूली और आखिर में अपने साथ उनका भी तबादला करा लिया, मुझसे दूर लेकर चली गई। बस बेटा, तुम यहां आते जाते रहा करो, मैंने तो तुम्हें दीपा के लिए पसंद किया था, लेकिन न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। टीचर हम आ जाए। हाँ? अच्छा तो आंटी, चलो। जा रहे हो बेटा, कभी कभी आते रहना। जी जरूर। ओहो, आ बैठो, आ जाओ इधर बैठो, अपना अपना होमवर्क निकालो। बहुत अच्छी। पटाखा? अरे नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना यार, वो मैंने विनीता को भी उधर भेजा था। हाँ, मेरे को तो अच्छी लगी उस हिसाब से। नहीं, मेरी बात सुन, मैं तुमको बोल देता हूँ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे अरे दीपा, ये क्या कर रही हो? यू इडियट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? हाँ, अरे दीपा, क्या हमें भी प्रसाद खिलाने का इरादा रखती हो? प्रसादी लाल को प्रसाद मिलते ही सारे कॉलेज को तुम्हारा नाम मालूम पड़ गया। अच्छा चलो ठीक है, इन महाशय जी से कहो कि मेरे कार की स्टेपनी चेंज कर दें। दीपा जी, मैं आपकी कार की स्टेपनी बदल दूं? अरे हट साले पिद्दी के, नहीं तो फिर तेरे को प्रसाद मिल जाएगा। चलिए जी, चलिए मैं ही कर देता हूँ। चलिए चलो। अब पता चलेगा बच्चों को। मैडम जरा मेरी आंखें तो संभालना। यू जरा पकड़ो। sure. Excuse me, can I help you? अरे माफ करना मैडम, माफ करना। Now don't touch me, leave me alone. जाने कहाँ कहाँ से आ जाते देहाती कॉलेज में पढ़ने, जरा पकड़ना। क्या हुआ? अरे विनीता मार गिरा। अरे प्रसादी को तो प्रसाद दिया, मेरा तो शटर बंद कर दिया, शटर। वन मिनट। अरे मैडम जरा ध्यान से देखना। यू इडियट रास्कल, मैं तुम्हारी बदमाशी अच्छी तरह समझती हूँ। तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हें दीपा का प्रसाद नहीं प्यार मिला। तुम दीपा क्या हुआ? मुझे में क्या हुआ? तुम दीपा क्या हुआ? मुझे में क्या हुआ?
क्या बात है आंटी, आज आपने खाना नहीं पकाया? अंकुश, मैं तो उन लोगों से बहुत पहले ही दूर हो चुकी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक धागा जुड़ा हुआ था। आज वो रहा सहा धागा भी टूट गया। क्या मतलब? तुम्हारे अंकल ने मुझे तलाक दे दिया। जानते हो अंकुश, हमारा प्रेम विवाह हुआ था। धनी खानदान की इकलौती बेटी थी मैं। मेरे पिता ने 1.5-2 लाख के सेवर देकर विदा किया था मुझे। दीपा के पिता को पायलट बनने का बहुत शौक था। मैंने अपने सेवर बेचकर उन्हें पायलट की ट्रेनिंग दिलवाई। वो पायलट बन गए। हमारी छोटी सी खुशहाल जिंदगी में दीपा ने जन्म लिया। लेकिन दीपा के जन्म के कुछ साल बाद ही आज तो आपकी कोई फ्लाइट नहीं थी, फिर इतनी रात कैसे हो गई? आप तो मुझे कहकर गए थे कि आप फ्लाइट पर जा रहे हैं। जब मैंने एयरपोर्ट फोन किया तो पता चला आज आपका ऑफ डे है। तुम्हें वहाँ फोन करने की क्या जरूरत थी? हा? अरे दीपा खेलते खेलते अचानक गिर पड़ी, उसके सर पे इतनी चोट आई कि उसे टांके लगवाने की जरूरत पड़ गई। मैं घबरा गई। मुझे फोन करने का भी अधिकार नहीं, मुझे सब पता है आजकल आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। यानी कि तुम मेरे पीछे जासूसी कर रही हो? हैं? जब पति अपना बच्चा और अपना घर छोड़कर बाहर रंगरेलिया मनाने लगे तो पत्नी को जासूसी करनी ही पड़ती है। आज बाप और बेटे दूध और पानी की तरह एक हो गए। लो अंकुश, चाय पियो। उस हादसे के 16 साल बाद, अरे हाँ, तुम्हारे सामने की ही तो बात है। आओ लिली, आओ, आओ। हाय, हाय लिली आंटी। हाय डैडी। हाय डार्लिंग। हाय अंकुश। हेलो सर। फाइन आंटी, ये अंकुश है। हेलो। बैठो। दीपा, अपनी आया से कहो कि 2 गिलास स्क्वाश बना लाए। तौर तरीके बदल डालो माँ, ऐसे बकवास कपड़े पहनती हो, मामूली से टीचरी करती हो। आखिर मेरे और डैडी की भी कोई पोजीशन है, मुझे शर्म आती है। आइंदा इस हुलिये में हमारे मेहमानों के सामने मत जाया करो, समझी? उस दिन दीपा ने ठीक ही कहा था अंकुश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए आंटी। अगर दीपा कभी तुम्हारे पास आ जाए तो इसे लौटाना मत, लौटाना मत प्लीज। अरे अंकुश, तुम दिलशाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, कुछ उदास नजर आ रहे हो। नहीं खान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ कैसे नहीं जनाब, हम तो लिफाफा देखकर मजमून भाग जाते हैं। आओ आओ बैठो। लेकिन कहाँ? अम्मा बैठो तो सही। चलो ड्राइवर। हुकुम। दिलशाद भाई, हम जा कहाँ रहे हैं? आज मेरा ख्वाजा बाग में प्रोग्राम है भाई। अच्छा,
क्या सोच रहे हो देवदास? अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? लगता है ताजा गांव लगाए इश्क में। अरे भाई जवानी में ऐसा ही होता है। हिम्मत रखो। आज हमारी इस खूबसूरत महफिल में खूबसूरत लोगों के बीच देश विदेश के मशहूर गजल गायक दिलशाद हसन मौजूद हैं। दिलशाद भाई अपनी मीठी आवाज से हमारे दिल के तारों को छेड़ देंगे। दिलशाद भाई। अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है, अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है। बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है, बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है। अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है, बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है। तन्हा हो अगर मैं हूँ तन्हा लहर बिखर कर टूट कर किनारे से किसी मुझे भी टकराना है। अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है, बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है। मेरी तो जिंदगी एक ऐसा साज है, न तो झंकार है न बेआवाज है। कोई छेड़ो इसे पुकारो मैं किसे, तराना प्यार का मुझे भी अब गाना है। अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है, बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है। Thank you.
झुकाना है, अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है, अभी अभी ये समझा है, अभी अभी ये जाना है। बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है, बुरा है दिल लगाना मगर दिल लगाना है, 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 मगर दिल लगाना। सुनो, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती थी। मुझे अंकुश कहते हैं, और तुम? मेरा नाम नीलिमा है। असल में मैं मॉडलिंग करती हूँ। वो जो सफेद सूट वाला साहब जिनके साथ तुम आई हो, वो कौन है? वो मिस्टर मेहरा हैं। असल में मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। अच्छा। और मिस्टर मेहरा के बहुत से दोस्त प्रोड्यूसर्स हैं, असल में वो उनको फाइनेंस करते हैं। हाँ। तो अच्छा सुनो, तुम रहते कहाँ हो? मैं अम्बे माता सिंह। अच्छा तो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन मैं तो दिलशाद भाई के साथ आया हूँ। ओफो, ऐसी पार्टी में कौन किसके साथ आता है और कौन किसके साथ जाता है, इट हार्डली मैटर्स। यू नो व्हाट आई मीन? आई नो व्हाट यू मीन। तो चलो ना, अगली मुलाकात फिर कभी। ओके, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू। चलो हटो, हटो, चलो हटो एक तरफ। अंकुश वर्मा आप ही हैं? जी हाँ। रमला देवी मरने से पहले एक खत छोड़ गई, ये पढ़िए। शर्मा अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रही हूं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरे बैंक के रुपए, जमीन के कागजात और जो भी जेवर सामान, मेरा प्रिंसी, सब अंकुश वर्मा को सौंप दिए जाए। मुझे विश्वास है अगर मेरी इकलौती बेटी दीपा इन्हें लेने आएगी तो अंकुश को अधिकार होगा कि वो जो ठीक समझे करे। अगर मुझ अभागिन के पति श्री विशुद्धानंद शर्मा मेरे अंतिम संस्कार के समय ना पहुंच पाए तो अंकुश को मुखाग्नि प्रदान करने का अधिकार मैं अपना बेटा समझ कर दे रही हूं। अंकुश बाबू, आप इनके रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ेगा। हवलदार साहब, पंचनामे की तैयारी करो। हाँ भाई। हाँ हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं लिली बोल रही हूँ। हाँ हाँ लिली आंटी, मैं अंकुश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? अंकल है क्या? नहीं है। अरे हेलो, वो रमला आंटी ने आत्महत्या कर ली है। ठीक है, वो आएंगे तो बोल दूंगी। हेलो हेलो, सुनिए,
होता नहीं फिर मेरी दुहाई, सुनता नहीं फिर मेरी दुहाई, दिल अपना प्रीत पराई। अरे तुला मरना रे, तुला मरना रे कॉन्स्टेबल पांड्या। सत्यानाश, पांड्या नहीं, पांडे, पांडे। ओ पांडे, माझी चूक जायली, तू मेरा नाम क्यों बिगाड़ता है? अरे मेरे कहने से क्या, तेरा नाम तो तेरा औलाद बिगाड़ेगा। अरे वो बात नहीं, हम क्या बोलता है, तुम लोग प्रकाश को पक्या बोलता है, सखाराम को सख्या बोलता है, ऐसे ही पांडे को पंड्या क्यों बोलता है, क्यों बोलता है? बोलता है, हम तुमको बाहर से बुलाने का पांडे। हाँ वो क्या है कि बाहर जाने का सुबह से चांस नहीं मिला। किधर जाने का? बाहर जाने का चांस नहीं मिला, तंबाकू लाने का। तंबाकू? हाँ। अरे ऐसा बोलना, तेरे को तंबाकू मांगता है, तेरे को तंबाकू मांगता है। हाँ, देना। अरे लेना लेना तंबाकू लेना। पन तेरे को बाहर जाने को काय को नहीं मिला? कल से इधर नवा इंस्पेक्टर ड्यूटी पर आने वाला है, इंस्पेक्टर अंकुश। पन तेरे को तो तब मजा ही है रे। काय का मजा, अंकुश साहब ने पूरा पुलिस स्टेशन हिला के रख दिया है, सारा सेक्शन गरम, और तू बोलता मजा, काय का मजा? पंतु काय नाव सांगितलं साहेब? इंस्पेक्टर अंकुश। अंकुश, याद आया याद आया, ये तो है साहेब, बहुत सर फिरेला साहेब। ये साहेब है ना, बड़ा बड़ा धाकड़ लोगों को उठा के बंद केला, बड़ा बड़ा रुस्तम लोगों को बंद कर दिया। तू कहता है मजा है, मजा है। साहब आ गया, ये तो कल आने वाला था ना, आज ही मुसीबत आ गई। चल चल जल्दी। बहुत गर्म है। हवालदार, ये फाइल रिकॉर्ड रूम में रख दो। ओके सर। इंस्पेक्टर अंकुश शर्मा, ट्रांसफर पुलिस स्टेशन सर, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। चार्ज लिया? यस सर। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, हैव ए सीट। थैंक यू सर। मिस्टर अंकुश, तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर खास मकसद रखता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। इस जुरिडिक्शन के कुछ बदमाशों की फाइल है ये तुम्हारे लिए, इसे फौरन तुम पढ़ो और इमीडिएट एक्शन लो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मंगल दादा की फाइल है सर। ये मंगल दादा कौन है? इस इलाके का बहुत ही बड़ा गुंडा है सर। कभी पकड़ा नहीं गया? पकड़ा गया था एक दो बार, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण हमें उसे हर बार छोड़ना पड़ा। मिस्टर शेख, पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की हिफाजत करने वाले लोग ऊपर से आने वाले दबाव से कभी डरा नहीं करते। प्लीज हैव ए सीट। अबे क्या कर रहा है? चख रहा हूं उस्ताद, माल बिल्कुल कड़क है। क्या टेस्ट आएगा उस्ताद? अबे बाटली के साले चख रहा है या पी रहा है? अबे तू क्या कर रहा है? उस्ताद मालिश कर रहा हूँ। साले मालिश कर रहा है या केकड़े की तरह नोच रहा है? ठीक से कर। उस्ताद, क्या बे? उस्ताद, तुम इधर चंपी कहाँ है? उधर पुलिस आया है। पुलिस? हाँ। क्या बात है इंस्पेक्टर, नया आया क्या? हाँ, साला सूरमा की छठी औलाद है जो आज मंगल के यहाँ रेड डालने आ गया। अबे मैं सूरमा की छठी औलाद नहीं, सूरमा की पहली औलाद हूँ मंगल। तू मुझे नहीं जानता। इंस्पेक्टर, अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। Thank you.
अंकल दादा, तुझे मैं सबक सिखाकर छोड़ूंगा। चल 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 चल। दीपा, ये कोई वक्त है तुम्हारे घर आने का? कहाँ थी अब तक? ओफो, मेरी सहेली की सालगिरह थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? रात के 2 बज चुके हैं और इसे तुम थोड़ी देर कह रही हो? क्या बात है डार्लिंग, क्या हुआ? देखिए ना डैडी, मेरी सहेली की सालगिरह थी और थोड़ी देर हो गई तो ये मुझे डांट रही है। क्यों खाम गई से डांट रही हो? जाओ जाके आराम करो। कम ऑन डार्लिंग। कैसी कोई बात नहीं, ये कोई धर्मशाला है? जब जी में आया चली आई, जब जी में आया चली गई। ये कोई वक्त है शरीफ लड़कियों का घर लौटने का? आस पड़ोस है, हमारा समाज है। समाज? समाज की परवाह अगर तुम्हें होती तो ना तुम मेरी माँ को तलाक दिलवाती और ना ही तुम मेरे डैडी से शादी करती। देखा कैसी बदतमीज है आपकी बेटी, अगर मेरी बेटी होती ना तो उसकी जबान खींच लेती। बेटी होती तब ना दूसरी शादी करके भी तुम माँ ना बन सकी। बहुत ज्यादा बोल रही हो दीपा, अब तो चुप रहो। अब भी ना बोलू डैडी, आप ही ने तो बोलना सिखाया है। मेरी माँ मर गई, अंकुश ने फोन भी किया था मगर इस औरत ने आपको बताया तक नहीं। तो किसने मना किया था जाने को? तुम्हीं ने तो मना किया था, तुम्हें नहीं चाहती थी कि मैं डैडी वापस जाए। देखा आप कैसे जबान चला रही है, अगर मेरी बेटी होती ना तो घर से बाहर निकाल देती। जैसी माँ वैसी बेटी, खबरदार अगर मेरी स्वर्गवासी माँ का नाम जुबान पर भी लाए तो। ठीक है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी बेटी, चलिए आप ऊपर चलिए। ओ शराब। अरे दीपा, तुम अचानक कहाँ जा रही हो? विनीता, मैं अपने डैडी का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। ऐसा क्या हो गया है? विनीता, अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, मैं ही हूँ। अगर उनको जरा भी सहारा मिल जाता तो वो कभी आत्महत्या ना करती। डैडी से बिछड़ कर भी वो मेरे सहारे जी लेती, वो मेरे सहारे जी लेती। बस कर दीपा, बस कर, बस कर। मैं क्या करूं विनीता, मैं क्या करूं? अपनी माँ की तरह मैं भी स्वाभिमानी हूँ, पढ़ाई लिखाई और खाने के खर्चे के लिए मैं अपने डैडी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती हूँ। मैं कोई भी काम कर लूंगी। क्या तुम इस काम में मेरी कोई मदद कर सकती हो? ठीक है, अगर तू इसी में अपना प्रायश्चित समझती है तो चल, मैं तुझे आशा दीदी के पास ले चलती हूँ। वो बेसहारा लड़कियों का आश्रम चलाती हैं और उन्हें जॉब देती हैं। विनीता, ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं दीपा, कैसे आना हुआ? इसके डैडी ने दूसरी शादी कर ली है और सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल दिया है। आप तो बेसहारा लड़कियों को जॉब देती है ना, इसे भी अपने आनंद आश्रम में रख ले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ बेटी, हम अपने आनंद आश्रम में बेसहारा लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े होकर स्वाभिमान से जीना सिखाते हैं। दीदी, मैं भी ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक है, ये मेरा कार्ड रखो, कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना जी। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। मैं चलती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चाकीदार सामान ले लो जी। कमरा है ना? जी हाँ। चौकीदार, एक कप चाय मिलेगी? जी मैम साहब। अरे तुम? अरे तुम? नीलिमा। अंकुश।
अंकुश। अरे अंकुश, इतने दिनों बाद। अरे मुझे तो तुम्हें कल रात में ही पहचान जाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, तुमने जो फेल्ट हैट से अपना चेहरा कवर किया हुआ था। मैं अभी नहा के आई। ओके। एक मिनट लगाऊंगी। हाँ। अरे हाँ, जाना नहीं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, और चाय एक साथ पियेंगे। ओके, डन। हाँ, डन। मैं अभी आई। ऑलराइट, चौकीदार चाय मेरे कमरे में पहुँचाना। हाँ? जी सर। Thank you.
करना छवी इजाजत अगर हो तो चुमो ये लब शबनम हो क्या हुआ? सर्दी लग रही है? मैडम, तब और अब में बहुत फर्क है। अच्छा? तब तो मैं सिर्फ, और आज आज मैं फुल फ्लेज्ड इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा। चीयर्स। हेलमा, सिप लोगे? अरे सर्दी लग जाएगी। ना बना। हाँ, सिप लो ना। अरे मुझे अच्छा लग रहा है, जो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, इसके साथ और अच्छा लगेगा। कम ऑन। नहीं ना, नो। एक सिप। एक और प्लीज। हाय नीलिमा। हाय। अच्छा तो तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हारे लिए सारा गेस्ट हाउस छान मारा। जब मैं उठी थी ना तो तुम सो रहे थे। तो मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम गहरी नींद में सो रहे थे। नीलिमा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे खुले बाल, माथे पर बिंदिया, बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हो। अंकुश, कल रात जो कुछ हुआ वो नीलिमा, पता नहीं कल रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। वो एक ऐसा ख्वाब था जिसका मुझे एहसास तो था लेकिन महसूस अब कर रहा हूं। I love you, Nilima. I love you. Ankush. Nilima, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंकुश, मैं तो कोणार्क के उस मंदिर की तरह हूं जो सूर्य पूजा से पहले ही अपवित्र हो चुका है। Nilima, शरीर महज एक मंदिर ही नहीं होता, उससे कहीं ऊंचा, अधिक विशाल, अछूता, असूर स्पर्शा। नीलिमा,
शरीर कभी अपवित्र नहीं होता। और नीलिमा, अब मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता हूं। मैं तुम्हारे बिना अंकुश देखो ये फुलझड़ी खड़ी हुई है। कहाँ? वो सामने। चला जी से फिर उठा लेते हैं। अब देखते क्या हो? उठा लो। आप रुकिए, उस सफेद गाड़ी में कुछ गुंडे लड़की को उठा ले गए। दिया तो था, तुम्हें नहीं मिला अच्छा? होगा। क्या लिखा था? अरे हाँ, याद आया, शायरी लिखी थी। अब आप कहेंगे कि कलाम भी लिखा था? अरे हाँ, वही तो लिखा था, पर तुम्हें कैसे मालूम? You cheat! किल यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम बड़े वो हो। अरे दीपा सुनो तो। No. अरे सुनो तो सही। Thank you.
तुम चांद का या शहर की हो किरण, जो भी कुछ हो ले गए हो दिल हमारा जाने मन, जो भी कुछ हो ले गए हो दिल हमारा जाने मन। आंखों को तुम्हारी मैंने जाम लिखा है, तेरे हुशबाब का गुलाम लिखा है, शायरी लिखी है या कलाम लिखा है, यार इतना है कि सलाम लिखा है, अभी अभी मैंने एक खत लिखा है, कैसे मैं बताऊं किसके नाम लिखा है। किससे मिलना है आपको? कौन चाहिए? नीलमा जी। नीलमा जी से क्यों? पिक्चर बनाना है। पिक्चर बनाना है क्यों? झांसी से आया हूं। आप झांसी से आए या अलीबाग से, मुझे क्या लेने देना? एक मिनट सुनिए, मैं झांसी से आया हूं, मकान दुकान बेच कर आया हूं, 25 लाख रुपया लेकर आया हूं। 25 लाख? 25 लाख में नीलिमा जी की जूतियां तक नहीं बनती। आप फिर कभी आइए, उनके पास रेट नहीं है। एक मिनट प्लीज, एक बार मिला दीजिए, 25 लाख रुपया लेकर आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे? आप नहीं छोड़ेंगे मेरा पीछा? मुझे बॉडीगार्ड को बुलाना पड़ेगा। रामा स्वामी, रामा स्वामी, अयंगर रामा स्वामी जी, कम हियर। अब देखिए, अब ये जब लुंगी उठाएगा ना,
तो आपकी खटिया खड़ी कर देगा। रामा स्वामी। हाँ जी। यहाँ आओ। आ गया जी। इन साहब का एक नटवॉल ढीला है। हाँ? इन्हें रास्ता दिखा दो सर। ओके, उठाओ लंगी। लंगी उठाओ। मुंगी। एक, मुंगी दो। इधर जी। मुंगी। हाँ? छाती तक नहीं, सर तक उठाएगा जी। यहाँ तक उठाओ। हेलो जी। कम ऑन, चलो चलो। हाँ? हमें जाएगा, हमें लुंगी उठाएगा, तुम्हें भागेगा। तुमको सुनाई नहीं देता जी, हमारे सर ने तुमको क्या बोला। हमें तुमको भगाएगा जी। भागो भागो, लुंगी उठाऊं जी, भागो। हाँ बेटा, अफसर बन गया है, अच्छे से दुल्हन ले आइए ना। अरे बेटा, ये अंकुश है ना, मेरा कहना मानता ही नहीं। अरे माँ, आप भी तो बस। अम्मा मान जाओ यार। भाईजान आप भी। अंकुश बाबू, एक मिनट में देखता हूँ। साहब, आपकी चिट्ठी। लो ना बेटा। प्लीज। थैंक यू। अम्मा, क्या गुल खिला रहे हो बंबई में? एक है। किसकी चिट्ठी है? माँ, नीलिमा की। अंकुश, मैं तुम्हारी हूँ। देखो ना, उस दिन के बाद से ही मेरे तमाम दिन रात कैसे बदल गए। तुम्हीं ने तो कहा था, शरीर महज एक मंदिर नहीं होता, मंदिर से भी कहीं ऊंचा, अधिक विशाल, वो कभी अपवित्र नहीं होता। जानते हो, हम दोनों का एक बेहद खूबसूरत, हसमुख, प्यारा सा, नन्ना सा। अच्छा बताओ, बेटा होगा या बेटी? मुझे तो लग रहा है कि बेटा ही होगा। और नाम रखेंगे अंक नील। अंकुश और नीलमा का अंक नील। सिर्फ तुम्हारी नीलमा। क्या लिखा है? माँ, मैं नीलिमा से शादी कर रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है अंकुश? बेटा, असाधारण तुम्हें एकाध पल के लिए आकर्षित कर सकता है, पर इसे स्वीकार करने का साहस हम मध्यवर्गीय लोगों में नहीं। माँ, दुनिया के घिसे पिटे मापदंड भले ही एक फिल्म स्टार को बदचलन साबित करते हैं, लेकिन नीलिमा, नीलिमा एक सबल चरित्र की सशक्त मिसाल है। माँ, अंकुश, ठीक है अंकुश, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पीछे छुटा हुआ इतिहास कभी नहीं बदलता। माँ जी, अंकुश मेरे साथ जा रहा है। आओ अंकुश। तुम्हारी नीलिमा से पहली मुलाकात कब हुई थी? भाईजान, आपको याद है वो ख्वाजाबाग वाली पार्टी? वहीं मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी। अरे वो जो मॉडलिंग करती है? हाँ भाईजान, लेकिन अब वो एक फिल्म स्टार है। अंकुश, मैं तुम्हें नेक सलाह देता हूँ। क्या अजंता एलोरा गुफाओं में चूल्हा रखकर खाना बनाया जा सकता है? क्या तारीख देखने के लिए कील ठोकर कैलेंडर लगाया जा सकता है? लेकिन भाईजान, सिर्फ आप ही हमारे एक हमदर्द हैं। आप जानते हैं माँ मुझसे कितनी नाराज है। वो नीलिमा को बहू स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है भाईजान। सिर्फ एक आप है जो माँ को मना सकते हैं। तो मैं सिर्फ भाईजान, क्योंकि मैं नीलिमा के बिना नहीं रह सकता हूँ। अंकुश, तुम जिद कर रहे हो। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ भाईजान, यह हकीकत है। मैं नीलिमा के बिना नहीं जी सकता हूँ भाईजान। अंकुश, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। सच भाईजान? ओ मां, नर्स, मेरी पट्टी कब खुलेगी? बस 5-6 दिन और रहेगी। पट्टी खुलने के बाद मेरी आंखें अच्छी हो जाएंगी, मैं फिर से देख सकूंगी ना। डॉक्टर खुराना का ऑपरेशन कभी फेल नहीं होता, आप चिंता मत कीजिए। सरला, आज विनीता नहीं आई? आती ही होगी। सोम कैसे है? ठीक है। सरला, उर्मिला भी नहीं आई और आशा दीदी भी नहीं आई।
दीपा जी अब आप आराम कीजिए, आंखों में आंसू आने से आंखों पे बुरा असर पड़ेगा। अब आप लोग जाइए, मिलने का समय खत्म हो चुका है। सोचता कुछ है और होता कुछ है। तू ठीक कह रही है, क्या विधि की विडंबना है। पहली बार भी जब मैंने घर छोड़ा था तो तुम्ही ने मुझे सहारा दिया था। छी छी, कैसी बातें कर रही है। मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। एक बात कहूं? हाँ बोल। अगर तू अंकुश के यहाँ चली जाए तो कैसा हो, वो और उसकी माँ तुझे अवश्य सहारा देंगे। तुम ठीक कहती हो विनीता, मेरी माँ भी अंकुश से बेहद प्यार करती थी। ठीक है, मैं तेरे पहुंचाने की व्यवस्था करती हूँ। चल अब सो जा। Yeah.
के छोड़ देंगे हम कसम से अब ये शोखिया। तुम ना छुड़ाओ हाथ अपना मेरे हाथ से, क्यों खेलते हो आज तुम मेरे जज्बात से, क्यों रूठ के तुम चल दिए साजन की बात से, क्यों खेलते हो आज तुम मेरे जज्बात से। दिनों के बाद तेरे होठों पे हंसी तो आई। हाँ दीपा, मैं तुझे कल अंकुश के घर भेज दूंगी। लीजिए मैडम। थैंक यू। भाई नीलिमा, उदयपुर के सारे अखबारों में तुम्हारी शादी की खबर छपी है और जिसे पढ़कर मैं तुमसे मिलने चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरा साहब। आपने तो मेरी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई है। आप ना होते तो शायद मैं इस मंजिल तक पहुँच ही ना पाती। और ये है मिस्टर रॉय, तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं और तुम्ही को लेकर फिल्म शुरू करना चाहते हैं। यस मैडम, पहले आए थे और कह रहे थे कि दुकान मकान और केवाम बेच कर आए हैं और आपके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। इनकी फिल्म तो मैं जरूर करूंगी, ये तो मेहरा साहब के दोस्त हैं। यस मैडम। नीलमा जी, जैसे आप पर्दे पे दिखती हैं वैसे ही बाहर दिखती हैं। और जब रामा स्वामी ने लुंगी उठाई और जो राय साहब जो भागे हैं दुम दबाकर, अरे क्या बताऊं, अरे मजा आ गया। ओ फोबर करो राय साहब। अरे अंकुश आओ। हाय। ओ हेलो सर। हेलो हेलो। हाय हाय बेटे। अरे माँ, कैसी हो माँ? खुश रहो बेटे, मैं ठीक हूँ। लेट कैसे हो गए?
माँ तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है बंबई और उदयपुर की फ्लाइट अक्सर लेट होती है। कितने दिनों बाद अपने बेटे का मुंह देख रही हूँ। माँ बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, एक कप चाय पिला दो। अच्छा लाती हूँ। ओके अंकुश देख तो कौन आया है। हेलो अंकुश। दीपा तुम यहाँ क्या करने आई हो। दीपा तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस मरती हुई माँ का तुम मुंह तक देखने नहीं आई, जिसके श्राद्ध पर नहीं आई, उसी माँ के पैसे का हिसाब किताब लेने आई हो। दीपा अंकुश इसे क्यों डांट रहा है, ये तो बेचारी अंधी होकर आई है। I'm sorry दीपा, मुझे मालूम नहीं था। संभल के बेटी बैठ जा। ले बेटा तुमने ठीक कहा अंकुश, लेकिन मैं हिसाब मांगने नहीं आई हूं। इस वक्त मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। भला मैं तुम्हें क्या सहारा दे सकता हूँ। घर आए मेहमान से ऐसी बात नहीं करते अंकुश। दीपा मैं रमला आंटी के आखिरी वक्त उनके साथ था, बहुत दुखी थी वो। ठीक है तुम्हारे डैडी कौन से कोई वास्ता नहीं, लेकिन तुम तो उनकी अपनी बेटी हो, अपनी इकलौती बेटी। तुम भी मेरा विश्वास करो अंकुश, लिली आंटी ने मुझसे और मेरे पापा से ये बातें छुपाई थी और मुझको अपने किए की सजा मिल चुकी है। तुम भी मुझे ठुकराओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी। ऐसा मत करो। चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना, अंकुश तो बाहर ही रहा करता है, पर तू मेरे साथ रहेगी। सोना घर मुझे काटने दौड़ता है बेटी। अंकुश मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी में मैं एक दिन इतनी सुखी होंगी। लेकिन नीलिमा कभी कभी मैं अपने आप को बहुत अपराधी महसूस करता हूं। क्यों? तुमने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि दीपा कौन है। ओ अंकुश इस मामले में तुम मेरे बच्चे हो और काफी अनाड़ी भी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ समझा भी है, चाहे इच्छा से चाहे अनिच्छा से। खैर छोड़ो, तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और इसलिए मैंने आज तक तुमसे कुछ कहा नहीं और ना कहूंगी। मेरी जिंदगी के अपेक्षा कुछ कम किस्से हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया था नीलिमा। वो अलग बात है कि तुमने कभी इस पर गौर नहीं किया, जैसे रमला आंटी की मौत, दीपा के डैडी और लिली की दास्तान, यहां तक के तुमसे मिलने से पहले अपनी मोहब्बत के किस्से। हाँ अंकुश हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू पे अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए। हम दीपा की कहीं अच्छी सी जगह पे शादी कर देंगे और दीपा से ज्यादा तो मुझे रमला मौसी के लिए अफसोस होता है। आ बेटी। नमस्ते बाजी। नमस्ते भैया। हरे
अक्षर बाबू नमस्कार, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अपना क्या है, शादी विवाह का मामला है, भागदौड़ चल रही है। हाँ। रसोइयों को कहना है, बैंड बाजवानों को कहना है, मंडप वालों को कहना है, कार्ड बांटने हैं, दोस्तों को टेलीफोन करने हैं, यहाँ वहाँ भागदौड़ चालू है। और कुछ कहना चाहते हैं? अंकुश बाबू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैडम आपसे बहुत प्यार करती है, और इतना प्यार करती है कि ये बात शायद वो खुद भी अच्छी तरह नहीं जानती। अंकुश बाबू, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैडम ने जिंदगी में बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं, अब तो सुख पर उनका हक बनता है ना? अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे हैं? हेलो मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग ओके? जी। अक्षय बाबू जी, ये बताइए कि कल रजिस्ट्रार घर पे आएगा ना? जी हाँ। ठीक है। मैडम है, सब लोग आपको फोन करता जी, वो आपको इंटरव्यू में बुलाता। मैडम शादी करता तो सभी लोग फोन करता, मैडम शादी करता हमारा बर्बादी होता जी। अच्छा बस रामा स्वामी सर, फोन पर जाकर उनसे अपॉइंटमेंट ले लो और कह दो कि मैं उनसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? लुंगी से हाथ उठाओ, नीचे करो सर। ओके। अच्छा चलो अंकुश, नाश्ता कर ले। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीलिमा का विवाह। नीलिमा बड़ी खूबसूरत है काका। अरे तू तो अंधी है, तूने उसकी खूबसूरती कैसे देख ली? अरे काका, मैं जन्म से थोड़ी ही अंधी हूँ, मैं एक साल पहले ही तो अंधी हुई हूँ। अरे किसने किसको देख लिया, ये तो अंधों की नगरी है काका। बिटिया, नीलिमा हीरोइन की शादी हो रही है। किससे काका? मैं अभी अखबार पढ़ देता हूँ। भारत की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीलिमा कल विवाह बंधन में बंध रही है। स्मरण रहे, पिछले कुछ दिनों से बम्बई के पुलिस अफसर अंकुश वर्मा से उसका रोमांस चल रहा था। और रहने दो, बस करो। तेरा अंकुश नीलिमा से विवाह कर रहा है, अब क्या होगा? सब तेरी गलती है, तूने माँ को खोया, अंकुश का प्यार खोया, अब तू जिगर क्या करेगी, जिगर क्या करेगी? अरे बिठोला, इसे अस्पताल ले चलते हैं। हाँ हाँ। दीपा मेरी बच्ची, तेरा दर्द मैं समझती हूँ, पर क्या करूँ, अंकुश नाराज होकर चला गया और अब नीलिमा से शादी करने जा रहा है। माँ, दिल अपना और प्रीत पराई इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ और है। बेटी दीपा, मेरी बच्ची, गुलदस्ते में लगा पौधा कभी जड़ नहीं पकड़ सकता, मैं क्या करूं, चुप रहना ही ठीक है। दूध पी लो बेटी, दूध पी लो। अच्छा तो अब समझ में आया, ये सारी खबरें फैलाने वाले अक्षर बाबू ही हैं, और ये सारी सजावट जो तुम देख रहे हो ना, ये सब अक्षर का ही आइडिया होगा। नील, हम दोनों के बीच ये तीसरा क्यों? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये प्यार हो रहा है। ये आँखें, ये जुल्फें घनी रेशमी,
इजाजत अगर हो तो चूमूं ये लब शबनमी हो। अंकुश क्या हुआ, सपना देख रहे थे क्या? हे अंकुश, अंकुश इधर आओ ना, देखो तारी फूल मुरझा रहे हैं। नील, जिन्हें मुरझाना है वो तो मुरझाएंगे ही, लेकिन यह कार्ड नहीं मुरझाएगा। सख्त आइवरी फिनिश से लिखे गए कार्ड पे अक्षर। सच बताना नील, मुझसे मिलने से पहले तुम्हारे अक्षर के साथ क्या संबंध है? मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। सच बोल रही हो? हाँ। अक्षर के अलावा मेहरा साहब से भी नहीं? नहीं। नीलिमा, सच सच बताना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा बच्चा पल रहा है, क्या वो मेरा है, यानी कि हम दोनों का? आज मैंने ठोस धरती पे कदम रखा है, अब मैं समझी तुम एक स्वनाम धन्य औरत के ईर्ष्यालु पति हो। नील, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। नील, अंकुश
धिक्कार है तुम पर। तुम नीलिमा को समझ नहीं पाए, भूल गए? उसने तुमसे पहले ही कहा था कि वो कोणार्क के उस मंदिर की तरह है जो सूर्य पूजा से पहले ही अपवित्र हो चुका था। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तुम कुछ नहीं कर सकते अंकुश, कुछ नहीं। नीलिमा तुमसे कहीं ज्यादा अमीर, मशहूर व प्रतिभाशाली है। अंकुश, तुमने आज तक सिर्फ उसका प्यार देखा है, उसके गुस्से की इंतहा नहीं देखी। लेकिन मैं तो, लेकिन मैंने तो कभी। अब परेशान क्यों होते अंकुश? नीलिमा ने तुमसे सच ही कहा था कि तुम एक स्वनाम धन्य औरत के ईर्ष्यालुपति हो। ईर्ष्यालुपति? नहीं, नहीं। ईर्ष्यालुपति हो तुम? नहीं अंकुश, तुम एक ईर्ष्यालुपति हो। नहीं, 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 नहीं। सर आपको क्या हो गया जी? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। कुछ नहीं समझ में, कुछ नहीं। रामास्वामी, क्या नीलिमा अभी तक नहीं आई? सर मैं आ गई हूं अंकुश। नीलिमा कहां गई थी तुम? क्या तुमने शराब पी रखी है? नहीं। फिर? मैंने शराब नहीं पी, ये एनेस्थीसिया का नशा है जो अभी तक उतरा नहीं। मतलब? अंकुश, काश मेरा दम तुम्हारी बाहों में निकले। नील? नीलिमा, सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? अंकुश, यही सब होश में बर्दाश्त हो सकता था अंकुश। क्या किया तुमने, क्या किया तुमने नीलिमा, क्या किया तुमने? जिस पे तुम्हें भरोसा नहीं था कि वो तुम्हारा है, उसी में हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर शिरोदकर के क्लिनिक में खत्म कराए। नहीं नीलिमा, नहीं। हाँ अंकुश। ना नीलिमा। हाँ नहीं नीलिमा, नहीं। हाँ। ओ नीलिमा। हाँ। नीलिमा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुस्से में चाहे मैं तुम्हें कुछ भी कह गया हूं, लेकिन उसे देखने की साथ तो मुझ में भी थी, उस बच्चे को, हमारे अपने बच्चे को। अंकुश, दरअसल तुम उल्टी थार में बहने की कोशिश कर रहे हो, और मैं भी कैसी मूर्ख थी जो तुम पर भरोसा कर बैठी। ना, असल में हमारा देवी उस मंदिर की तरह है जिसके एक बार अपवित्र हो जाने पर वहां भी किसी देवता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती अंकुश। नहीं नीलिमा, नहीं, नहीं हो सकती। ना नीलिमा। एक अजन्मी शिशु ने हमारी कोणार्क को हमेशा हमेशा के लिए अपवित्र कर दिया अंकुश, अपवित्र कर दिया। नहीं नीलिमा, अपवित्र कर दिया अंकुश। नहीं नीलिमा, नहीं। अब जाओ, और जब अक्षर तुम्हारे पास तलाक के कागज हाथ लाए तो उन पे दस्तखत कर देना, समझे? नहीं नीलिमा, चले जाओ यहाँ से। नीलिमा, चले जाओ। नीलिमा, जाओ यहाँ से अंकुश, चले जाओ। और अगर हो सके तो दीपा से विवाह कर लेना।
मेरा है दिल लगाना, मगर दिल लगाना है, बुरा है दिल लगाना, मगर दिल लगाना है। अभी अभी समझा है, अभी अभी जाना है, बुरा है दिल लगाना, मगर दिल अंकुश। दीपा,
तुम सो जाओ। अरे संभालो। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ अंकुश? कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही कुछ सामने आ गया था। आओ बेटी, आओ। माँ, रामदीन से कहो जूते ले आए। रामदीन, ये लो जूते। अरे दीपा, तुम क्या जूते लेकर आई हो? वो क्या है कि रामदीन आज आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही ला दूं। अच्छा बैठो। वो ओहो, क्यों हाथों पर भी पॉलिश लगा ली? हाँ। अरे माँ कहाँ गई है? माँ मंदिर गई हुई है। अच्छा अंकुश, तुम ड्यूटी पर जा रहे हो? हाँ दीपा, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। कब तक इंतजार करेगी बेटी? पुलिस वालों का घर आने का कोई ठिकाना होता है? चल सो जा, चल ऊपर। कैसी हो माँ? अंकुश। हाँ माँ। आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बेटा, दीपा कोई जन्म से तो अंधी है नहीं, अगर उसका इलाज विदेश में हुआ तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है। एक बार तुम्हारी जिद ने जग हसाई करवाई, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं दीपा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन माँ। अब लेकिन क्यों? सभ्यता बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, पर औरत का न स्वरूप बदलेगा न स्थिति बदलेगी। पर दीपा बिचारी अंधी है, यही ना? तुम रमला को दिया हुआ वचन भूल गए? अंकुश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए आंटी। अगर दीपा कभी तुम्हारे पास आ जाए तो उसे लौटाना मत, लौटाना मत प्लीज। और अगर हो सके तो दीपा से विवाह कर लेना। माँ, मैं खोलता हूँ।
नमस्ते अंकुश, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? तुम जैसा ठीक समझो माँ। मैं दिलशाद को बुलवाती हूँ, कन्यादान उसी से करवाऊंगी। खुश रहो मेरे बच्चों। अंकुश, माँ के पैर छुओ। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। लो माँ जी, आ गई आपकी बहू। हाँ बेटा, जब ये बच्ची थी तभी से इसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती थी। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। हाँ माँ जी, खुदा भी इंसान को कठपुतली की तरह ना चाहता है। जीवन की डोर सदा उसी के हाथ रहती है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आओ बेटी, आओ अंकुश, आओ। ये मेरा बचुआ, मेरा बचुआ, मेरा बचुआ, ये ए आ डा 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 डा। अरे चलो चलो चलो, दूध पीने का टाइम हो गया, दूध पीने का टाइम हो गया। आओ 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 बेटा, आओ ले बहू। आज बेटा माँ के पास, माँ के पास आजा, दूध पिएगा ना बेटा। आजा बेटा, आ बेटा। वाह, मारना नहीं हो। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मुन्ना रो रहा था, सोचा कि थोड़ा उसे दूध पिला दूं। कितनी बार कहा तुझे, कुछ भी काम हो मुझे बुला लिया कर, पर तू है कि मानती नहीं। माँ जी, कितनी तकलीफ दूं मैं आपको? घर में जब बहू आती है सास को सुख मिलता है बहू, लेकिन मैं ऐसी अभागन। ऐसी बात नहीं करते, मैं दूध लेकर आती हूँ। नीलू बेटा, वो देखो पापा, पापा वो देखो ना पापा, पकड़ लो ना पापा, देखो ना सामने पापा, जल्दी पापा पकड़ लो। नील बेटा, वो देखो, वो देखो मोर। किधर है पापा? वो मोरनी, देख 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 बेटा, मोरनी मोरनी मोरनी। अरे गोली मत चलाना भाई, घोड़े पे दग जाएंगे। ओके एक्शन। पापा मोर पकड़ो ना। ठाकुर बाहर निकल, आज मैं तेरे अस्तबल के सारे घोड़े ले जा रही हूँ, अगर हिम्मत है तो रोक मुझे। कैडेट, ओके ओके। अब दीपा तुम नील को जरा पकड़ो, यहाँ पर नीलिमा शूटिंग कर रही है, मुझसे मिलकर आता हूँ। मुझे नहीं मिलवाओगी जी उनसे? मिलवाता हूँ, तुम ही ठहरो। देखो बेटा अभी पापा आएंगे, आइसक्रीम लाएंगे ना। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? You're welcome. कुछ नहीं कहा। अरे अंकुश, नीलिमा तुम आओ ना, बैठो। थैंक्स। राजू जरा क्राउड को पीछे करो, चलो भाई, आप लोग जरा पीछे जाइए प्लीज, जाइए जाइए, हटो पीछे हटो। तुम कैसी हो? और तुम कैसे हो? ठीक ही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें यहाँ शूटिंग करते देखा, ढहा नहीं गया तो तुमसे मिलने चला आया। मुझे तुम्हारा खत मिला था। तो जवाब क्यों नहीं दिया? क्या लिखती? चलो चलिए यहाँ से। चलो जब मैंने तुम्हारा खत पढ़ा तो मुझे हंसी आई,
उसे भी तुम खत कहते हो? अंकुश। हाँ नीलिमा। सच तो यह है कि दीपा ही तुम्हारी जिंदगी का यथार्थ है और मैं एक धूमकेतु। यही समझ लेना। आओ चले। देखो पापा आएंगे ना, पापा से बातें करना। हाँ आइसक्रीम चाहिए ना? हाँ मेरा बेटा। आओ नीलिमा। दीपा इसे मुझे दो। ये अंक नील हमारा बेटा। दीपा ये नीलिमा। दीदी दीदी पता है आपसे मिलने के लिए कब से तरस रही थी और आज आपसे मुलाकात हो ही गई। और हाँ हम जब घर में होते हैं ना तो आप ही के बारे में बातें किया करते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब अंकनील हुआ था ना तो इन्होंने यही कहा था कि नाम ऐसा कुछ रखो कि नीलिमा की याद हमेशा ताजी रहे। दीपा तुम कितनी सुंदर हो लेकिन भाग्य ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। तुम्हारी आंखें छीन ली लेकिन उसके ऊपर से ये दोहरी जिम्मेदारी। मम्मी देखो तोता है। एक ही आंख नील और उसके ऊपर से अंकुश, ये भी तो कुछ कम नहीं है ना? आप भी बहुत मजाक करती हैं। बहुत बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। दीपा अब हम मिलते रहेंगे जी है ना? जरूर। प्रॉमिस। प्रॉमिस। हे मैडम शॉट रेडी है। अच्छा दीपा ए पांड्या। पांड्या नहीं पांडे। सॉरी सॉरी मगज से निकल गया। अच्छा पांडे जी वो मालूम है कि आप अरे चुप बकबक किए जा रहा है, अखबार पढ़ने दे। चलो दस्तखत करो। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूं, आइंदा ऐसी हरकत की तो उठाकर अंदर कर दूंगा समझे। ये तो बहुत बुरी खबर है। ये अपने अंकुश साहब है ना, इनके वो एक्स वाइफ वो क्या है वो हीरोइन। हाँ हाँ वो बीमार है। अच्छा मैं भी साहब को बता कहता हूँ। हाँ सलाम साहब। छूट गया तू? हाँ साहब। हाँ चल चल। थैंक यू साहब। साहिब। हाँ पांडे। इस पेपर में एक बहुत बुरी खबर छपी है। कौन सी खबर? ये नीलिमा की हालत नाजुक। पांडे कितने बजे होंगे इस समय? 6 बजे मेम साहब। 6 बज गए? साहब अभी तक नहीं आए? बस आते ही होंगे। साहब आ गए मेम साहब। दीपा जी तुम तैयार होकर बैठी हो, कहीं जाना है क्या? हाँ नीलिमा दीदी के यहाँ जो जाना है। हाँ दीपा आज नीलिमा के बारे में अखबार में भी छपा है। ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ। जी सुनो जी जरा जल्दी कीजिएगा। बस अभी गया और अभी आया। शीला सुनो अंकनील को जरा जल्दी तैयार करके ले आओ तुम। आओ अंकुश। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीपा। आओ इधर बैठो। आप कैसी हैं दीदी? मैं इतनी अभागिन हूं कि आपको
देख नहीं सकती, और शायद मैं इस जन्म में भी आपको देख न सकूंगी। हाँ दीपा, और तुम मुझे देख भी न सकोगी, क्योंकि शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। ना दीदी ना, ऐसा मत कहो। मैं तो भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उम्र आपको दे दे। नहीं दीपा, ऐसी बात मत कहो। अंकुश, जरा देना ना अंक नील को मेरे पास। नील, आंटी को फूल नहीं दोगे? जाओ बेटा आंटी के पास। आओ बेटे, आबाश। अरे ये मेरे लिए लाए हो? आहा, थैंक यू बेटा। आंटी मैंने आपको टीवी पर देखा। अच्छा। तुम लोग मुझसे वादा करो कि जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी तुम लोग मुझसे मिलने आया करोगे। नीलिमा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत कभी भी किसी भी वक्त पड़े तो बेझिझक बुला लेना। आप क्यों लोले? आओ बेटे, आंटी को आराम करने दो। आओ दीपा। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। अच्छा दीपा, चलो। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, आपको देखने के लिए मैडम की सांसें अटकी हुई थी। नीलिमा, मैं अंकुश। नीलिमा, अंकुश। हाँ? अब समय बहुत कम है। अच्छा हुआ तुम सब लोग आ गए। अब मैं चैन से जा सकूंगी। नहीं नीलिमा। अंकुश, नहीं दीदी नहीं, अभी आपको देखने की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। नहीं दीपा, तुम मुझे जरूर देखोगी, लेकिन तब तक मैं। नीलिमा ना, ऐसे नहीं कहते। नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत कहिए दीदी। दीपा मेरी बहन, मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ, सिर्फ सफर भर के लिए मुझे सिंदूर उधार दे दोगी? हाँ दीदी, मैं लाई हूँ। ए जी, ये लीजिए, दीदी को लगा दीजिए। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, सुहागन जा रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है, तिलकना और प्रीत पर आई थी। नीलिमा, दीपा,
ना नीलिमा ना, नीलिमा। ईश्वर का खेल भी अजीब है, जिन्हें देखने के लिए आंखें तरस रही थी आज उन्हीं की आंखों से उन्हीं की तस्वीर देख रही हूं। हाँ दीपा, नीलिमा तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपनी आंखों के जरिए हम सभी को सदा देखती रहेगी। अंकुश बाबू, मैडम मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे अंक नील के नाम कर गई। तोड़ गया जो प्यार के बंधन, लेता है दिल नाम उसी का, ओ, सुनता नहीं फिर मेरी दुहाई, सुनता नहीं फिर मेरी दुहाई, दिल अपना भी।